तू बिल्कुल चिंता मत कर यार, गॉड मस्ट बी क्रेजी। जैसे ही वो तेरे पास आएगा तो उसके साथ चली जाएगी। वो यहाँ आएगा? कोई चांस ही नहीं है। वो मुझे ढूंढकर परेशान ना करे इसलिए तो बस स्टॉप चेंज किया है। दीदी, दीदी, क्या हुआ? जरा नीचे आओ ना। बात क्या है वहीं से बता। मैटर बहुत सीरियस है, तुम इधर आओगी तो सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगा दीदी, नहीं तो यहाँ से सारा गांव सुन लेगा। तू क्यों पागल जैसी बात कर रही है? पागल जैसी बात नहीं है, किस किस वाला मैटर। क्या मैटर है बोल। वो रोड रोमियो याद है ना दीदी? हाँ? अरे वही जो आपके पीछे घूमता है, वो रवि। हाँ, उसे क्या हो गया? उसे कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ आपको हुआ है। मुझे क्या हुआ है? उसने आपको किस किया ना। हाँ? उसने मुझे कब किस किया? मुझे क्या पता, जिसने किया वो जानता है, जिसने करवाया वो जानता है। किस लोफर के कहने पे तू ऐसी बात कर रही है? और कौन लोफर होगा, वही लोफर है, वही ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अभी ये बात तो पूरे शहर में हॉट न्यूज है। उसकी तो बता कहाँ है वो? आप साथ में चलो दीदी। कहाँ है वो? वो अंदर ही तो है दीदी, चलो। दिख तो नहीं रहा। ए श्रावणी, 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 कहाँ है तू? वहाँ ढूंढने के बाद आखिर में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिली गई। दोबारा गर्लफ्रेंड बोला तो माँ की तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पागल, ये आखिरी बार है। दोबारा मुझे तंग करने के लिए कोई नाटक किया ना तो देख लेना, बताऊंगी तुझे। क्या बताओगी? अपनी माँ को बता दूंगी। अभी के अभी जाके बता दो, शुभ काम में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। तुम इस जन्म में नहीं सुधरने वाले। अरे जाने मन, तुम ऐसी बातें मत किया करो, कल तुम्हारे साथ जर्नी करने का योग बना है मेरा। तुम्हारे साथ जर्नी करूंगी, जाके अपना मुंह देख मंकी कहीं का। हेलो, सुनो डार्लिंग, लास्ट पंच। तुम लड़की आप फ्रंट से ज्यादा बैक में क्यों इतनी अच्छी लगती हो? तेरी तो तू बिल्कुल चिंता मत कर यार, गॉड मस्ट बी क्रेजी। जैसे ही वो तेरे पास आएगा तो उसके साथ चली जाएगी। वो यहाँ आएगा? कोई चांस ही नहीं है। वो मुझे ढूंढकर परेशान ना करे इसलिए तो बस स्टॉप चेंज किया है। देख लाइफ में क्या कब हो जाए उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। लेकिन देख, तू उस पागल पर भरोसा मत करना। हाँ,
पर अगर तू मेरी बात माने तो इस प्यार के मैटर में लड़के सिंसियर होते हैं। हम लड़कियां भले ही उनसे 300 किलोमीटर दूरी पर हो, देखते ही समझ जाते हैं कि ये मेरी बंदी है। बस स्टॉप चेंज करते ही वो तेरे पीछे नहीं आएगा, तुझे क्या ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 100% वो यहाँ नहीं आएगा। वो आएगा नहीं, आ गया। कहाँ? कहाँ पर? हाय। ऑटो पकड़ ले क्या? ऑटो से मैं नहीं जाऊंगी। वो क्यों? ऑटो में पैसे चलते हैं और बस में पास चलता है। देख मेरी बस आ गई, मैं तो बस से जा रही हूँ, बाय। हाँ शीला, मुझे छोड़ के मत जा, प्लीज शीला रुक जा। अरे यार, आज तो मुझे अकेले फंसा के चली गई, ये यहाँ आके सीन क्रिएट कर देगा। ऑटो। शशि, शशि डार्लिंग, सुनो तो। हाँ? नहीं, वो नहीं होगा। हाय डार्लिंग। सुबह सुबह मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, पागल हो क्या? प्यार कर रहा हूँ डार्लिंग। ओ, ये क्या आपका लवर है मैडम? ये लवर नहीं है, लोफर है। अरे नहीं यार। हाँ जाओ जाओ। अरे जाओ ना यार, जाओ जाओ भाई जाओ। पागल, ऑटो में आ जा। हाँ हाँ अभी आया। थैंक यू थैंक यू। हाथ हटा। कहाँ से? मेरे कंधे से हाथ हटा अमरीश पुरी। ऐसा लुक क्यों दे रहा है? दोनों आंखें फोड़ दूंगी, पागल। तू कहीं की हीरोइन है क्या? तेरी रेंज में अच्छे से जानता हूँ, मेरे जैसा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ। देखो जानू, ये हाथ भी जोड़कर प्लीज तुम मुझे विलन बनाने की कोशिश मत करो। डायलॉग मत मारो, नहीं तो मेरे मुंह से ना गाली निकल जाएगी। मैं जैसी दिखती हूँ वैसी नहीं हूँ। अरे इस तरह फालतू बकवास करने से तो अच्छा है कि तुम सिंपली आई लव यू बोल दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे जैसे टपोरी को कौन लड़की आई लव यू बोलेगी? ए, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं सच में मर जाऊंगा, इसलिए प्लीज तुम्हारे दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। ये प्रेमी तुम्हारे लिए ताजमहल नहीं बना सकेगा तो भी तुम्हें भगवान की तरह दिल में रखकर पूजा करेगा। मना मत कर देना प्लीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉस। देखो देखो देखो, ये ऑटो ड्राइवर भी हमारे प्यार को समझ गया। जब ये समझ गया तो समझो भगवान भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हो गए। मना मत करो प्लीज। देखो मुझे कल तक का टाइम चाहिए, मैं अपने फ्रेंड से बात करके तुम्हें जवाब दूंगी। हाँ हाँ ओके ओके। तो कल कहाँ मिलोगी मुझे? गांधी बाजार। सुपर डन डन। ए हाँ ही। ये क्या शशि, तू कॉलेज से इतनी जल्दी वापस आ गई? आज तो कॉलेज की छुट्टी है माँ। वो क्यों? आज कॉलेज में कोई मर गया क्या? कोई मर जाता है तो छुट्टी मिलती है क्या? तो फिर तुझे छुट्टी क्यों मिली? बार बार ना लेक्चरर्स को लूज मोशन हो रहे थे, शायद इसी वजह से उन्होंने छुट्टी कर दी। सारे लेक्चरर को एक साथ लूज मोशन की शिकायत होने लगी? वो ना सब लोगों ने एक साथ मिलकर जामुन खाए थे, इसीलिए गड़बड़ हो गई। आई बात समझ में? हाँ समझ गई कि कॉलेज की। Thank you.
हाथ जोड़ के नमस्ते बोलूं? इस बीच में कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं मिडिल क्लास हूँ और वो पीछे पढ़ के आई लव यू बोल रहा है, तो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लूं क्या? मगर वो मेरे सपनों में आकर तंग भी करने लगा है। अब तो नींद भी नहीं आती है, सो भी नहीं पाती हूँ, बस गाना सुनती रहती हूँ। खाना भी बराबर मैं नहीं खा पा रही हूँ। मुझे भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा प्यार हो गया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये प्यार नहीं है तो क्या है? अब तो ये तकिया भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो, कोई आइडिया दो ना मुझे। बाय फ्रेंड। क्यों बेटा, आज सुबह बड़ी जल्दी रेडी हो गए। फ्रेंड, छोटा सा प्यार हो गया है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा, समझे ना? बस यही बाकी था। इस उम्र में भी काम करके तुझे दोनों टाइम का खाना देता हूँ, अब तेरी शादी करके उसे भी खाना खिलाऊं? इसमें गलत क्या है? आपने ही तो कहा था अन्नदान महादान होता है। क्या मतलब? अरे वही अन्नदान महादान। हेलो, मैंने तो ये भी कहा था कि जीवन में पैसा सब कुछ होता है, तो तू पैसा कमाने गया क्या? अभी भी वक्त है, मेरी शादी करा दीजिए, बहुत पैसे कमा के दिखा दूंगा। पागल कहीं के, तू इतना शादी के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, फ्रेंड 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 फ्रेंड, आप नहीं जानते कि बैचलर लाइफ कैसी होती है। ठीक है बता। जैसे ही हम पलंग पर सोते हैं तो कतरीना आकर पैर खींचती है और करीना आकर हाथ पकड़ती है। उनको जाने बोलो तो जल्दी से जाती तो नहीं है, लेकिन साथ साथ बैले डांस करती है। बैले डांस करती है फ्रेंड। ओ, नींद नहीं आती, दिल पे काबू नहीं रहता, उसे मनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मन मानता ही नहीं है। ये मन की बात है फ्रेंड, मन की बात। ए, इंद्र की औलाद, तू मेरे सामने चाहे जितना नाटक कर ले, जब तक तू पैसा नहीं कमाएगा ना, तब तक मैं तेरी शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, पब्लिक की तरह धक्के खाने वालों के रेंज में से नहीं हूं मैं। खुद का सपना पूरा करने के लिए मैं क्रेजी स्टार की तरह तैयार हो जाता हूं। लोग भी मुझे आशीर्वाद दे देंगे, बस मुझे एक बार, सिर्फ एक बार गुड लक कह दो ना प्लीज। गुड लक बोलो ना फ्रेंड। बोलो ना फ्रेंड। मैं क्यों तुम्हें ऑल द बेस्ट कहूँ? ऑल द बेस्ट क्यों कहेगी, क्योंकि आज मेरा लव सक्सेस होने वाला है। चलो देखते वो हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कब तक ऐसे फुटपाथ पर मुझे इंतजार कराएगी? जब तक जवाब न मिल जाए तब तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा घोंचू राजा। क्यों ऐसे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं सिस्टर, तुम बोलती रहो। मेरी दीदी से प्यार करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अपना प्यार पाने के लिए कंडीशंस हैं क्या? चलो बोलो क्या है वो कंडीशंस। मेरी दीदी से प्यार करने के लिए आपको हफ्ते में दो दो कंपलसरी कविता लिखनी होगी। प्यार में पढ़ने के बाद तो सभी कवि बन जाते हैं, रोज दो दो क्या, दस दस कविताएं लिखूंगा। आपको शाहरुख खान की तरह शेव भी नहीं करना होगा और नाना पाटेकर की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी भी नहीं रखनी होगी, समझे? सुदीप की तरह थोड़ी सी अगर दाढ़ी होगी तो चलेगा ना? हाँ, ओके ओके। और बोलो। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ठीक है। और दीदी की शादी होने के बाद रोज उन्हें गजरा लाकर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको बेडरूम में एंट्री नहीं मिलेगी। दीदी बेड पर सोएंगी और आपको नीचे सोना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। दीदी ने जो कहा वो आपको मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा है? तुम्हारी दीदी का मन कह रहा हूँ। अरे गर्म होने की जरूरत नहीं है, आगे की कंडीशन बताओ ना। दीदी से शादी होने के बाद सारी लड़कियों को बहन की नजर से देखना होगा। और तुम्हारी? मैं भी लड़की ही हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ एक सिंपल से पेपर पर लिखने से, एक बॉन्ड पेपर पर लिख कर लेके आओ, आंख बंद करके साइन कर दूंगा। श्रावणी, सारी बातें बता दी ना, अब इससे बात करने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ से ये पकड़ो, पढ़ लो। ए, ए,
अरे सुनो तो सही, अरे कुछ तो बोल के जाओ, मैंने तुम्हारी सारी कंडीशंस कबूल कर ली है। अरे कुछ तो जवाब दो, ये प्रेमी का दिल खुश हो जाएगा। अरे यार ये लड़कियां लड़कों को खुश देखना ही नहीं चाहती ऐसा लगता है।